खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक मूवी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस मूवी में आपको धमाकेदार एक्शन, रोमांचक कहानी और दिल को दहला देने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे। फिर वही रात 1980 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन डैनी डेंजोंगपा ने किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में राजेश खन्ना और किम यशपाल हैं। कहानी फिल्म की कहानी एक महिला आशा किम यशपाल के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक मानसिक आघात से गुजर रही है। आशा को अतीत में किसी महिला का भूत परेशान करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। डॉक्टर विक्रम राजेश खन्ना उसे उपचार के लिए एक हिल स्टेशन पर अपने साथ ले जाते हैं। वहां कई रहस्यमयी और खतरनाक घटनाएं घटित होती हैं, जो फिल्म की कहानी को रोमांचक और डरावना बनाती हैं। खतरनाक सीन। फिल्म में कई खतरनाक और डरावने दृश्य हैं, जिनमें आशा को भूत के दर्शन होते हैं। एक सीन में आशा रात के समय अकेले एक अंधेरे कमरे में होती है और उसे अचानक एक परछाई दिखाई देती है, जो उसे डराने की कोशिश करती है। इस तरह के सीन फिल्म के डरावने माहौल को बढ़ाते हैं। फिल्म को इसके सस्पेंस और डरावने तत्वों के लिए सराहा गया था और यह उस समय की चर्चित हॉरर फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म फिर वही रात 1980 की बॉक्स ऑफिस पर सफलता मध्यम रही थी। फिल्म ने उस समय लगभग 1.5 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म हॉरर और थ्रिलर जॉनर में थी और विनोद मेहरा और डिंपल कपाड़िया की मुख्य भूमिकाओं के कारण दर्शकों के बीच लोकप्रिय रही। हालांकि इसकी कमाई बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इसे एक कल्ट क्लासिक के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, बॉलीवुड की तरफ से यह एक खतरनाक मूवी मानी जाती है। इस मूवी की हर एक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इससे भी ज्यादा खतरनाक मूवी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस मूवी में आपको धमाकेदार एक्शन, रोमांचक कहानी और दिल को दहला देने वाले दृश्य